अगर मैं विधायक बने हो तो मैं व्यापारी तो कौन बनूं, कम चरम सीमा के भ्रष्टाचारी है, ये मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो डोटासरा हो, पेपर लेके मामले के अंदर सारे के सारे जेल में जाएंगे। गहलोत और डोटासरा दोनों धोखा है, मानगढ़ बेहर भ्रष्टाचार खत्म करना है। कोई भी आ जाए, मैंने तो बीजेपी के लिए काम करना है। मेरे को टीट मिली तो मैं 120 की स्पीड से काम करूंगा। जो गोविंद जी डोटासरा अभी बोले तो आरएसएस ने बिल में बांट देगा, वो तो राजनीति के अंदर बच्चा है। बीजेपी का उद्देश्य ये है कि जो भ्रष्टाचारी है हम उनको जेल में डालेंगे। तो मेरे विधायक बनने के बाद में या तो हनुमानगढ़ में नशा रहेगा या मैं उनका विधायक करूंगा। अभी बे भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ और नशा मुक्त हनुमानगढ़ सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या, मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? राजस्थान री राजनीतिक कार्यक्रम के तहत आज अपने सागे मौजूद है हनुमानगढ़ विधानसभा टिकट की दावेदारी कर लाग रहा है एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा। बता दूं थाने सुरेंद्र जलंधरा इसी शख्सियत है, पेशों ए सरकारी वकील है और अब हनुमानगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी है जो टिकट की दावेदारी कर ला रहे हैं और जहाँ की चुनाव में ज्यादा समय है कोनी। अभी आंगो जो पैतृक है जो पंजाब का फाजिलका आंगा पैतृक जो निवास वो बैठा हुआ कर तो और हनुमानगढ़ के अंदर लंबे समय में हनुमानगढ़ रहवा लाग रहा है एडवोकेट सुरेंद्र जलंधरा जिस बातचीत करांगा और जानांगा मतलब के मुद्दा लेके है विधानसभा चुनाव के अंदर जनता के बीच के अंदर जावेगा। वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखे, वीडियो ने शेयर जरूर कर दिया। सारू पहला तो थारू परिचय दे। सुरेंद्र जलंधरा नाम आप बखूबी जानते ही हो और पैसे से वकील हूँ, बीच में सरकारी वकील रहा और सरकारी वकील के अलावा समाज सेवी रहा। समाज सेवी के साथ राजनीतिक शौक मेरी 15 साल की उम्र से है। चुनाव चाहे मैं पहला लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ और बहुत चुनाव लड़ाए हुए हैं। तो वकील हाथ है सरकारी वकील और चुनाव लड़ने को मन बनाया, थोड़ा सा कुछ समझ को नहीं आई गणित थोड़ी। मैं आथन बताइयो ना पहला कि राजनीति के चुनाव लड़ने का उद्देश्य मात्र ओ को नहीं कि अपना MLA बना, MLA बनने को शौक है, वो कतई को नहीं। ओ मैं सरकारी वकील रह गए जिकी व्यवस्था देखी है और व्यवस्था में जिकी एक आ चीज देखी कि हजारों वर्ष की जिको देश की गुलामी और बीहू बाद में हजारों नौजवान फांसी पर चढ़िया कुर्बानियां दी जहाँ हमारा देश आजाद हो और आज़ादी के बाद में जिको भय और भ्रष्टाचार की जिको माहौल मैं हटा मानगढ़ के वहाँ देखियो वो मैंने बड़ी चिंतित करने वाला हो कि अठे भय और भ्रष्टाचार का बड़ा जबरदस्त माहौल है। और मेरे उद्देश्य ओ तो कम है विधायक बनना और वो ज्यादा है कि मानगढ़ बेहर भ्रष्टाचार खत्म करना है और बेहर भ्रष्टाचार खत्म करने खातर अगर आ सीढ़ी मैंने मैं असेंबली पहुंच जाऊं तो फिर भी मैं मेरे को वैधानिक शक्ति आ जाएगी और मैं वैधानिक शक्ति के माध्यम हनुमानगढ़ में भय और भ्रष्टाचार जड़ू खत्म कर। थे उम्मीदवारी जताई है भारतीय जनता पार्टी टिकट की और एक है संदीप जी सारण वे भी टिकट की दावेदारी जता लग रहा है और देवेंद्र जी पारिक भी टिकट की दावेदारी जताई है, अब जिला अध्यक्ष है और बंग सागे दो तीन जना और भी है जो टिकट की दावेदारी जता लग रही। तो आगे बीच के अंदर इतने स्ट्रगल में मतलब थे टिकट में मतलब क्या कॉन्फिडेंस है कि थाने टिकट को के लगे थाने? देखो उम्मीदवार कितना है इससे कम से कम मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे लिए चुनाव हम जो संगठन को जानता है उसके लिए चुनाव एक कार्यक्रम होता है, एक 5 साल का कार्यक्रम है। कोई आ जाए क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी आ जाए मैंने तो बीजेपी के लिए काम करना है। अब कोई भी ट्रीट मांग रहा है उसका ट्रीट मांगने का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक दायरा होता है, अपना एक ऊपर फीडबैक दिया जाता है। वो मेरा अपना दायरा है और मेरा अपना निश्चित रूप से ये दायरा है, उसके अंदर दायरे के अंदर जिकी मेरी सर्व बड़ी बात आ है, मेरी सर्व बड़ी बात है कि जिको एक आज के दिन मैं यहाँ मानूँ कि पूरे देश के माँ 3 वर्ग है। एक वर्ग तो दलित वर्ग हो गयो, दलित वर्ग की तो जिकी भी असेंबली पार्लियामेंट की सीटा है संविधान के द्वारा आरक्षित है तो बढ़ावे जीते ही जीतेगा। एक धनाढ्य वर्ग है, धनाढ्य वर्ग की कोई जाति को नहीं हुआ पर वो धनाढ्य वर्ग जिको इतो मजबूत है कि जितनी बंगी जनसंख्या है बहू कई गुना ज्यादा जनप्रतिनिधित्व जिको है वे हासिल करा है और एक अति पिछड़ा वर्ग हुआ है तो अति पिछड़ा वर्ग जिको अति पिछड़ा वर्ग मैं हूँ तो अति पिछड़ा वर्ग ने जन प्रतिनिधित्व जिको है बंगो ना बराबर है बिल्कुल है। और इंगे वजह बंगी कोई दुख तकलीफ भी सीधो सीधो सुनने वालों को नहीं तो ये बहुत सी बात आई और मैं को नहीं तैयार हुई कि मैंने चुनाव लड़ना है। एक बहुत बड़ो वर्ग है, बहुत बड़ा लोग सामाजिक लोग है जिका मना ओके हो कि नहीं अपने समाज में जो अपना अति पिछड़ा वर्ग में अपन जरूरी है और मेरा थोड़ा सा ताल्लुका रेड़ा है, मेरी जी राजनीतिक इच्छा रेड़ी है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस मेरो रेड़ो है। मैंने क्यों मैं तैयार हो गया ठीक है अपन चुनाव लड़ा। बाकी आपका उदय कौन के
के टिकट मांगे के नहीं मांगे मेरे कोई विषय को नहीं गवा जिके नहीं पार्टी टिकट देते मैं तो सागा मतलब ये रहूगा भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर टिकट ना मिले तो बंग सागा मतलब काम करेगा सागा लाके मतलब निर्दलीय को चुनाव लड़ना को बीच प्रकार को कोई मन तो है कि थारो को नहीं अगर टिकट ना मिले तो मेरे को टिकट मिली तो मैं 120 की स्पीड से काम करूंगा और टिकट ही दूसरे को मिली तो मेरी स्पीड हो सकता है 100 से थोड़ी सी कम हो जाए पर वो स्पीड मेरी 80 से कम नहीं होगी उसी स्पीड के अंदर जिस उम्मीदवार को टिकट मिलेगी मैं काम करूंगा 100% बीजेपी के लिए काम करूंगा ता जिंदगी काम करूंगा टिकट इस बार नहीं मेरे को 10 बारी नहीं दे तो भी मैं इसी पार्टी में काम करूंगा क्योंकि मेरे लिए पार्टी से बड़ा मेरा विचार है वो विचार की मेरा विचार जो है सीधी सीधी सी बात है उस विचार की पैरवी आज बीजेपी कर रही है और दूसरा उस विचार का विरोधी भाव वाले लोग हैं तो मैं कोई सोच ही नहीं सकता दूसरे के पास की बात करता तो मैं जो गोविंद जी डोटासरा अभी बोलिया कि हमारी सरकार अगर राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट करेगी तो आरएसएस ने बिल में बांट देगा इस तरीके की बात हुई क्या कहना संघ वो तो राजनीति के अंदर बच्चा है डोटासरा जी अच्छा। उसको गहलोत जी ने वो बना दिया और वो बना दिया बाकी उस आदमी के पास जानकारी नहीं है कि आप तो कांग्रेस में हो क्या इस कांग्रेस के पुरोधा उन्होंने भी आरएसएस पर बैन लगाया था और आरएसएस दिन दुगनी रात चौगुनी शक्ति के साथ बढ़ रहा है और ये इनका बचपन है इनको पता नहीं है ये हम बोलेंगे तो इसी में चर्चा में आ जाएंगे तो मैं ये है ही नहीं ये कुछ भी नहीं है ये तो इनका जो अब कांग्रेस का जो प्रदेश के अंदर जो माहौल है ये बता रहा है जो जिस डोटासरा के परिवार से कितने आरएसएस हैं जिसके जिनकी दलाली चलती है खुद डोटासरा की दलाली चलती है आरपीएससी के अंदर आरपीएससी के मेंबर जेलों में पड़े हैं तो ये तो धोखा है पूरी जनता के साथ गहलोत और डोटासरा दोनों धोखा है और दोनों बेईमान है जालोर हूँ जो 200 थानेदार लगे है सारा का सारा एक साथ तो थाने ये लगे सुरेंद्र जी का सारी चीज घपलेबाजी है मात्र घपला नहीं है ये देशद्रोही षड्यंत्र है ये छोटी बात नहीं होती कि इस तरीके से आप पता नहीं किस किस को मतलब एक एक गांव से दो दो थानेदार लगना और उनका सिलेक्शन अप्रूव करना ये मुख्यमंत्री के लिए श्रम की बात होनी चाहिए ये इसकी जड़ के तक क्यों नहीं जाती कि एक गांव से ही 200 सिलेक्शन क्यों हुई और अभी जैसे ये बच्चों के जो सालों पढ़ते हैं गरीब माँ बाप पढ़ाते हैं और बाद के अंदर पेपर लीक होना हमें सहनीय हो सकता है पेपर लीक हो गया पकड़ा गया यहाँ तक तो ठीक है परंतु बहुत से ये पेपर लीक पकड़े नहीं गए जो 100-100 थानेदार है तहसीलदार है जालोर के अंदर रिजल्ट जाके देखो ये गए ये पकड़े नहीं गए अब पकड़े नहीं गए तो ये तो आंधा ही बताएगा ना कि ये एक गांव के अंदर इतनी सिलेक्शन अपने आप ही बता रही है कि ये पेपर लीक का मामला है कि इनको सबको पहले बताया गया है तो यहाँ पर इस सारा का सारा जो ये मामला है ये राज्य सरकार की बस की बात नहीं है 3 महीने बाद कि 4 महीने बाद के अंदर सरकार बदलेगी और सरकार बदलते ही इस सरकार का ऐसा एक ही नुमाइंदा नहीं रहेगा चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो डोटासरा हो पेपर लेके मामले के अंदर सारे के सारे जेल में जाएंगे और ये हमारा धर्म रहेगा कि इनको जेल में भेजो जिसकी वजह से हमारे नौजवान बच्चों को आत्महत्या तक करनी पड़ी। हनुमानगढ़ की अपर राजनीति की बात करें सभापति गणेश राज बंसल चेयरमैन कांग्रेस का वे भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी कर लाग रहे हैं मतलब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने की बात है कयास लाग रहा है क्या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा। विनोद जी सिटिंग MLA है एक, मैं उनके बारे में मेरे से ज्यादा लोग जानते हैं उसके परिवार को जानते हैं मैं कोई कमेंट्स नहीं करूंगा और जो गणेश जी हैं चेयरमैन नगर परिषद है उनके बारे में पिछला उनका जो 25-30 साल का इतिहास है हनुमानगढ़ का जनता है और ये भारतीय जनता पार्टी को शायद गणेश राज जी जानते नहीं हैं वो तो बीजेपी की टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं पर बीजेपी उनको ज्वाइन नहीं कराएगी ज्वाइन प्राथमिक सदस्य नहीं बनाएगी ये बीजेपी है ये कांग्रेस नहीं है ये बीजेपी है ज्वाइन ही नहीं कराएगी तो इसके विषय नहीं हो सकता कोई टिकट का गणेश राज जी का मतलब थे नोचा ला रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी टिकट तो दूर की बात गणेश जी बंसल ने बीजेपी ज्वाइन ही को नहीं होगी बिल्कुल ज्वाइन नहीं होगा कतई ज्वाइन नहीं होगा कारण के वजह है ये चीज कारण क्या कि जब बीजेपी का उद्देश्य ये है कि जो भ्रष्टाचारी है हम उनको जेल में डालेंगे तो अब जब हमने जेल में डालना ही है तो क्यों हम किसी कल को भाजपाई को ही बेचारा जिसने ज्वाइन कर लिया और बीजेपी का दुपट्टा पहन लिया हम उसे हमारे आते ही जेल में भेजें इसका मतलब क्या है उनको अपनी जगह जाएंगे वो बीजेपी में नहीं आएंगे गणेश सिराजी अपनी जगह जाएंगे और उनकी जगह कहाँ है
वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपनी जगह जाएं। विनोद जी, आप चुनाव ना लड़के आपके सुपुत्र ने टिकट दिलाने की तरीका का कोई कयास चल रहे हैं? तो ये कांग्रेस का मामला है, इसे मेरा इसमें कोई मेरा कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का अपना वो है, किसको टिकट देते हैं किसको नहीं देते हैं। और वंशवाद की बात करें, नहीं वंशवाद तो कांग्रेस में पूरी पार्टी वंशवाद है कांग्रेस की। विनोद जी पर क्या बात करें, पूरी पार्टी ही वंशवाद है। नेहरू जी से लेके आज तक उनका वंश नहीं टूट रहा। और तो इसमें ये विनोद जी क्या है, विनोद जी तो उसी दरखत की तो वो डाली है ना जिसका ये वृक्ष है। कांग्रेस तो पूरे ही वंशवाद पर है, इसलिए हाँ, इसलिए इनके लिए वंशवाद वगैरह कुछ भी नहीं है। इनका अपना खेल है और वो खेल लंबा नहीं चलने वाला। ये इनका खेल कांग्रेस पूरी पार्टी का, बात विनोद जी पर नहीं है, पूरी कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। और इस जहाज से बहुत लोग निकल रहे हैं, बहुत लोग निकलेंगे, कुछ जहाज के साथ डूबेंगे, ये वक्त बताएगा क्या क्या होता है। ये चुनाव लड़ते के मुद्दा लेके जनता के बीच में के मुद्दा लेके जाओगे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न, यही कि अल्टीमेटली मेरे दिमाग में जची कैसे कि मेरे को चुनाव लड़ना है और ऐसा कौन सा काम जो मैं चुनाव लड़े बिना शायद कंप्लीट नहीं कर सकता। तो वो ये कि नंबर एक बात यह है कि इस पुलिस या सिस्टम जो है इसको सुधारना पड़ेगा, पुलिस को थोड़ा समझना पड़ेगा और पुलिस का जो करप्शन का लेवल है इसको लगाम लगाना पड़ेगा। इससे नुकसान क्या होता है कि जब नुकसान क्या होता है कि आज नशाखोरी की वजह से कितने जवान बच्चों की मौत हुई है। बिल्कुल, हनुमानगढ़ में बहुत हुई है, हनुमानगढ़ के अंदर बहुत हुई है। और मेरा लक्ष्य है नशाखोरी बंद करना, और इस नशाखोरी को बंद करने के लिए सबसे पहले पुलिस को समझना और फिर उसको समझाना पड़ेगा। जिस दिन पुलिस तय कर लेगी कि एक ही नशाखोरी कहीं नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिखेगा, ये तय है, पर पुलिस को इसके लिए थोड़ा समझना पड़ेगा। आज मैं आपको बताऊं कि पुलिस स्टेशन के अंदर क्या होता है, पुलिस स्टेशन के अंदर जितना खर्चा एक पुलिस स्टेशन का होता है वो सरकार नहीं देती, और जब सरकार नहीं देती तो वो SHO वो खर्चा पूरा कहाँ से करेगा। सबसे पहले तो सरकार को कुछ फंड ऐसा अराइज करना चाहिए जिसके बारे में वो उनसे नहीं पूछताछ करे। वो देश के सेना की तरह ही है, पुलिस और देश की सेना में कोई फर्क नहीं है। बस थोड़ा सा कि इनके इनका जो दबा लग गया इसका भ्रष्टाचार वाला, अगर वो मिट जाए तो ये सब के लिए सम्माननीय हो जाएंगे, देश सुखद हो जाएगा, नशाखोरी बंद हो जाएगी, भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। इसलिए पुलिस को थोड़ा सुधारने की जरूरत है। और मुझे यूं लगता है, मैंने 18 वर्ष पुलिस के साथ रहकर काम किया है और मैं इनकी कौन सी नब्ज कमजोर है और कौन सी नब्ज इनकी पकड़ी जाए, कितने लोग पुलिस में ईमानदार है, कितने लोग चरम सीमा के भ्रष्टाचारी है, ये मेरे से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं पुलिस को लाइन पर ले आऊंगा। एक्शन है वो कड़ो रहोगो का खड़े का मतलब काल ने मतलब बुरो ना मान्यो थे जिया अब का जिया मौका गया कभी यही थे करने लग जाएगा एक्शन के तरीके को। बहुत ही बढ़िया बात कही है। मैं एक गांव में गयो काल से बनाली में 7-5 दिन पहले, और मैं हर गांव में जाऊं बैठे एक वचन दियूं, और वो मेरा वचन यह है कि अगर पार्टी मुझे सिंबल देती है, जनता मुझे विधायक चुनती है, तो मेरे विधायक बनने के बाद में या तो हनुमानगढ़ में नशा रहेगा या मैं उनका विधायक रहूंगा। और अगर मैं विधायक बन जाऊं तो विधायक बनेड़े आदमी की बात लोग ज्यादा सुन ले और बात ज्यादा मान ले। और मैं ये मानूं कि अगर मैं विधायक बने हो तो मैं व्यापारी तो कौन बनू कम कम, और मैं निश्चित रूप हूँ एक विशुद्ध रूप हूँ समाज सेवी है वो ही रहूंगा। अब जिया थे RSS का स्वयं सेवक हो और अब भी लाड़ला दिना नूह मेवात के अंदर इतो दंगो हो हिंदू मुसलमान हो और हो बहुत सा मतलब बहुत मतलब एक तो वहाँ कह दो चाहे जो मानवता है बह शर्मसार हुई है, बहुत बड़ो दंगो हो बहुत सा लोगों ने आपकी जानू हाथ धोना पड़े और अब थे RSS का स्वयंसेवक भी हो सके तो हनुमानगढ़ के अंदर अगर थाना टिकट मिल जाए तो मुस्लिम वोटर है थे बाने किया थारी तरफ जो आकर्षित करेगा, मुस्लिम वोटर ने किया थे थारी तरफ जोड़ेगा। मैं RSS का स्वयंसेवक हूँ, इसलिए ही तो मैं धड़ल्ले से ये बात कर रहा हूँ कि बेमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ होगा, नशा मुक्त हनुमानगढ़ होगा। अभी बे भ्रष्टाचार मुक्त हनुमानगढ़ और
नशा मुक्त हनुमानगढ़ सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या, मुसलमानों के लिए नहीं है क्या? और दूसरी बात ये कि मेरे लिए वही बात तो हिंदुओं के लिए रहेगी, वही बात मुसलमानों की रहेगी। जिसको इच्छा है वोट दो, जिसको इच्छा है मत दो ना। मैं स्वयंसेवक हूँ तो मैं धरले से कहता हूँ स्वयंसेवक हूँ, और मैं मुसलमान में आबादी अगर मैं इस लेवल की बात में ही कर अगर मैं करूँगा तो ये बहुत समझने की बात है कि जो शांति इस हिंदुस्तान के अंदर है, जो शांति, जो एक 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 सुंदर संदेश हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर है, हमारे सिख ग्रंथों के अंदर है, वैसा ग्रंथ है, वैसा संदेश है क्या कहीं? वैसा कहीं संदेश ही नहीं है। और मैं तो उनको भी ये कहूँगा। और दूसरी बात ये है कि यहाँ के जो मुसलमान भी है ना, वो कोई बेसिकली जेनेटिक मुसलमान है ही नहीं, ज़्यादातर हमारी इनका वो है तो कन्वर्टेड हैं। तो इनको समझना चाहिए थोड़ा सा कि क्या स्थिति आई, क्यों हुए, उनको ये समझना चाहिए। और दूसरी बात ये रहेगी, अगर अपन बात भी करें, एक बात आती है तो ये देखो पाकिस्तान में तो मुसलमानों का ही देश है पाकिस्तान, तो वहाँ पर इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पर न्यूसेंस कितना, कितनी हत्याएं होती है, कितना वो, और उसके ऊपर चले जाओ इराक के अंदर चले जाओ, अफगानिस्तान के अंदर चले जाओ। तो एक प्रश्न ये है कि अगर किसी को ये चाहिए ना कि हम तो यहाँ पर पाकिस्तान, इराक या अफगानिस्तान हमारा सपना है, तो भैया वो सपना उनके जीवन के नहीं है, उनकी 100 पीढ़ियाँ भी नहीं ले किसी की भी, सीधी सीधी सी बात है। वोट देना उनकी इच्छा है, हम हमारी राह पे चलेंगे। अब हनुमानगढ़ का लोक थाना देख लारे विधानसभा हनुमानगढ़ की के निवेदन के अपील करना चाहूँगा। मैं तो एक छोटी सी अपील करनी चाहूँ बा किए थे मटकू खरीदने जाओ, घड़े को 50 रुपया हो गया, 70 रुपया हो गया, बिना टंटन बजा के देखो तो थे जिके ने वोट दियो, बिना टंटन बजा के देखो कि ईमानदार रेड है क्या अपू पहला, और ईमानदार रहे गो के थाने विश्वास है के जे थाने विश्वास हो जे कि नहीं भाई वो आदमी मारो ईमानदार रहे और ईमानदार रह गो बिन आंख बंद करके वोट दे दियो। तो वीडियो थाने किसे लगी, वीडियो के प्रति तरीके राय है के सुझाव है वो कमेंट बॉक्स का माध्यम कमेंट करके मन जरूर बतायो। झलको हनुमानगढ़ चैनल पर अगर थे नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर दो, पास में बेल आइकन के बटन दबा दो, वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। थर गांव में या आसपास में किस तरीके की कोई भी समस्या है तो नीचे डिस्प्ले हमारा झलको हनुमानगढ़ चैनल का मोबाइल नंबर चल रहा है, इस नंबर पर थे माना फोन करो, मैसेज करो, मैं थर गांव में पहुंचाऊंगा, थारी समस्या उठाऊंगा, थारी आवाज उठाऊंगा। अंत मन दे इजाजत, जय हिंद, जय राजस्थान, जय हनुमानगढ़।